चावल और तेल था, उसके साथ ये सब ऐडन हो गया है, ये सब अंजीर वंजीर। झोला उठा के बस निकल पड़े अभी, झोला उठा के जा रही हूँ ना, ऐसे लग रहा है कि जितना सामान लाना था उससे ज़्यादा लगे, इसीलिए उठा उठा के इतनी बार। कम रास्ता है लेकिन लग रहा है रास्ता ख़त्म नहीं हो रहा है। घर पहुँच गए, हालत ऐसी होगी, ये देखो 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 देखो, किसको दिखा रहे हैं, खुद को देख रही हूँ मतलब ये कैमरा मिरर में जाके मुंह देखने से पहले कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ओह अभी हो गए 12 बजे और ईशु 20 मिनट के बाद आएगा। आज निक्की की टर्न है मतलब बारी बारी करके जा रहे हैं, तो आज निक्की का टर्न है, निक्की जाएगी लेने के लिए। तो 20 मिनट का शांति है, मतलब बैठे बैठूँगी, थोड़ा पानी वानी पी लेती हूँ और दही लेके आई हूँ। तो बटर मिल्क बनाऊँ या लस्सी बनाऊँ, वो दिमाग अभी चल रहा है कि लस्सी बनाओ बटर मिल्क। लस्सी में थोड़ा तो चीनी ऐड करना पड़ेगा और बटर मिल्क रीशु को पसंद नहीं आएगा, तो क्या करूँ, ऐसे लग एक ही लस्सी बना लेती हूँ बच्चे के लिए और पी लेती हूँ, क्या है पी लेती हूँ, चल लस्सी बना के पी लेते हैं। और सामान कहाँ का सामान 360 सामान उधर है, सामान अभी निकाल के रख दूँ, नहीं तो ऋषि बोलेगा मम्मा तू गई और मेरे लिए कुछ नहीं लाई, ऐसे बोल के बोलेगा। इससे अच्छा कि अभी ख़त्म कर लेता हूँ। और सुबह सुबह काजल लगाए थे, इससे बिल्ली की तरह दिख रही हूँ मैं। सिर्फ ऊपर का टॉप चेंज करके आई, पैंट तो ऋषि आएगा तभी पूरा कम्प्लीट चेंज करूँगी। अभी मतलब कम समय था, लस्सी बनाई निक्की के भी लेके आई और सुबह बीट रूट की भी बनाई थी सब्जी, तो उसके लिए भी लाई थी चखी की, पता नहीं उसको कैसे लगेगा। खाना बनाते ना शेयरिंग करने में मज़ा आता है, तो बस उसके लिए लेके आई, खाएगी तो उसको याद करेगी। ओए निक्की आंटी के साथ मज़ा आया, गन्ने का जूस पी के आया हाँ, अच्छा था क्यों निक्की आंटी को, कि तूने बोला क्या निक्की आंटी को गन्ने का जूस चाहिए, ओहो लालची। यहाँ पे वेट कर रही है रीशु, गन्ने का जूस पी के आ गया, मम्मा के लिए लेके आता ना, हाँ बस पी के आ गया। मम्मो खाना खाओ पहले, अभी खाना लेके आया, मुझे बहुत ज़बरदस्ती भूख लगी, जो मैं जो आधे घंटे पहले खाना था मैं आधे घंटे लेट हुए खा रही हूँ। तो आज फिर से वो बीट रूट वाला बनाई हूँ, मुझे तो वो अभी फेवरेट करेंट फेवरेट यही बन गया है, वेगन भाजी बड़ी क्या बड़ी चुरमुरा ऐसे बोलेंगे, ठीक है उड़द बड़ी हमारे उड़िया में इसको बोलते हैं बॉडी चूरा। और चावल है, आज चावल थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। और ये है मीठी वाली लस्सी और उसके साथ में लाई हूँ मिक्सचर हम मिक्स हम उड़िया और बंगाली ऐसे लोग चेनाचूर बोलते हैं इसको भी, तो ये वाला है स्नैक्स भी थोड़ा, मतलब मुझे तीखा तीखा खाने को और ऐसे खाने को मन कर रहा था तो मैं ले आई। तो रीशु अपना बोला कि मम्मा मेरा भी अलग से दे दो, मैं खाता हूँ, पता है वो नहीं खाएगा, मैं पहले खा लूँ उसके बाद उसको खिलाऊँ। माइक्रोवेव में डाली हूँ अखरोट, इसको थोड़ा सेक रही हूँ, बहुत दिनों से था और मैं भूल गई थी, तो अभी सेक लूँगी, इसका पाउडर बनेगा। सोच रही हूँ ऋषु के लिए सत्तू का पाउडर घर पे बनाओ, तो उसके लिए थोड़ा ऑप्शन बनेगा खाने का, ऐसे तो रोज़ का ऐसे रहता है मेरी, तो बचपन में मैंने बहुत बार सत्तू के पाउडर खाए, बचपन में ही मैं ग्रेजुएशन तक मम्मी मुझे भेजती रहती थी तो मैं खाती थी और दान भी बहुत लोगों को किया, मतलब स्पेशली मेरे मतलब जो हॉस्टल था, तो हॉस्टल नहीं था मतलब मेस बोल सकते हैं, 48 के आसपास लड़कियां थी, तो वहाँ पे एक आंटी आती थी रसोई करने के लिए, तो मुझे मतलब ऐसे कि हम जो चीज़ बचपन से खाते खाते आते तो हम बोर हो जाते हैं, ठीक है मतलब एज ए चाइल्ड माइंड ग्रेजुएशन के टाइम पे बोल सकती हूँ, तो मैं क्या उनको दे दिया करती थी कि क्योंकि घर को लेके जाऊँगी तो मम्मी पक्का मारेगी डांटेगी कुछ भी करेगी ऐसे, तो इससे अच्छा कि मैं कुछ ख़त्म कर लूँ किसी भी वे में, तो वो मेरा बेस्ट मतलब पॉसिबल वे था कि मैं ख़त्म करूँ उनको दे के, क्योंकि उनको ज़रूरत था। देखो ये मेरे ऊपर जादू कर रहा है, चलो मैं चाय पी लूँ, तू अपना पढ़ाई नहीं कर रहे मेरे, मुझे मुझे ये आ रहा है तुमको तुम्हारे ऊपर करनी है,
कौन सा वाला नहीं करना है, सिर्फ हिंदी है लिखने को और कुछ है ही नहीं अभी तुम्हारे लिए। क्या बाला, मिल गया हमको मोबाइल, अभी चलते हैं हम स्केटिंग क्लास। रिशु रेडी हो रहा है, अपने से जूता पहन रहे वो। रिशु लास्ट बाइट, लास्ट बाइट, ककड़ी खा लो, थोड़ा पेट में अच्छी अच्छी चीज जाए तुम्हारे। दिखाओ मुंह, दिखाओ, शो मी योर फेस, शो मी योर फेस। रिशु खा लूँ मैं, दूंगी नहीं, नहीं बाबा प्लीज़ खाओ, मम्मा की बात सुनो थोड़ा। लो मेरा बच्चा, इतना फ्रेश ककड़ी है ना, खत्म हुआ मतलब डिनर खत्म हुआ। रिशु तो एज एज उसका कार्टून्स देख रहे हैं, हमको तो देखने के लिए तो चांस नहीं मिल रहा है, आपको पीछे दिख रहा होगा कार्टून दिख रहा है। और ये आज राखी आया था उनके लिए, तो उसमें एक चॉकलेट था, तो सबने थोड़ा थोड़ा खाया, तो मैं बोली कि मैं डिनर ख़त्म करने के बाद अपना मीठा खा लूँगा। तो आज का ब्लॉग हम मीठे के साथ रखते हैं। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। उसी तरह कीप स्माइलिंग, Be happy, Har Mahadev. Last entry. Vlog khatam ho rahi hai hamari. Bye. Good night.